पंजाब सरकार बहुत वधिया उपराला कर रही है भी हरेक एग्जाम के विच पंजाबी दा पेपर कंपलसरी किया गया है। जिहड़ा बच्चा पंजाबी नूं क्वालीफाई करेगा उहदा बाद दे विच सैकंड पेपर लिया जांदा जांदा है। सरकार दा बहुत वधिया उपराला है, पर जिहड़े पंजाबी नूं प्रमोट करन वाले पंजाबी नूं प्यार करन वाले स्टूडेंट्स स्टेनोग्राफर हन उहनां दा पेपर लिया गया सी। पहला पंजाबी दा रिटन पेपर लिया गया जिस विच बच्चा ने पास करके उस तों बाद शॉर्ट हैंड पंजाबी दा पेपर दिता जिहने स्केल दा पेपर दिता मई दे विच। तीन महीने बीत जाने के बावजूद भी पंजाब सरकार प्रशासन वालों एस एस बोर्ड वालों उहदा कोई रिजल्ट नहीं कढ़िया गया। सरकार नूं बेनती है जे तुसीं सचमुच ही पंजाबी नूं प्यार करते हो ते पंजाबी नूं प्रमोट करना चाहते हो तो सब तो पहला शॉर्ट हैंड पंजाबी वालों का रिजल्ट कढ़िया जाए, क्योंकि यही ने पंजाबी नूं बचाउण वाले दफ्तरां विच पंजाबी विच काम करन वाले ये भी अपने रिजल्ट की वेट करते पए ने पिछले तीन महीनों तो। सरकार नूं बेनती है जिहड़े पेपर बाद दे विच होए हन उहनां दा रिजल्ट आ चुक्या है, कौंसलिंगां भी हो चुकियां हन, पर जिहड़ा स्टैनो दा अज तों तीन महीने पहलां सब तों पहला पेपर लिया गया सी पंजाबी वालियां दा, पर उसदा हजे तक कोई नतीजा नहीं कढ़िया गया, हले तक कोई नतीजा नहीं आया। सरकार नूं बेनती है जल्दी तों जल्दी साडा रिजल्ट कढ़िया जावे ते स्टूडेंट्स दे विच बहुत निराशा पाई जा रही है ते कुछ बच्चे तो मैंटली अपसैट भी हो चुके हैं। सरकार सामने साढ़े जिन्हें भी भैन भरा मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सामने सारे बेनती है कि इस वीडियो वो तो वह शेयर करो ता जो सरकार के कन्ना तक साड़ी आवाज़ पहुँचे तो साड़ा रिजल्ट जल्द तो जल्दी आ सके। मान साहब जी साढ़े सामने बेनती है कि साड़ी मंग में जायज समझते हुए साड़ा नतीजा पहले तौर पर कढ़िया जाए। धन्यवाद। आओ सुनते हैं स्टैनो विद्यार्थियों के वलों लिखा गया सरकार ते बोर्ड नूं मंग पत्र। सेवा विखे मानयोग चेयरमैन साहब जी एस एस बोर्ड मोहाली विशा स्टैनो टाइपिस्ट ते यूनिट स्केल टाइपिस्ट की प्रीख्या का रिजल्ट जारी करने बारे पुरजोर बेनती। हवाला इश्तहार नंबर 1/2022। सनिमरता बेनती है कि अधीन सेवावां चोन बोर्ड राही पिछले साल इश्तहार नंबर 1/2022 स्टैनो टाइपिस्ट अधीन जनवरी महीने में पोस्टा कढ़िया गई सन, जिसका पेपर डेढ़ साल बाद मई महीने में लिया गया। अज तीन महीने बाद भी स्टेनोटाइपिस्ट का नतीजा घोषित नहीं किया जा रहा। मई महीने स्टेनोटाइपिस्ट के पेपर तो बाद आने वाली सारिया ही भर्तियां लगभग पूर्ण हो चुकिया हैं। पहला ही स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती 6 साल बाद आई है ते 6 साल विद्यार्थियों ने लगातार सख्त मेहनत करके पेपर दिता है। इस भर्ती विद्यार्थियों बहुत सारिया उम्मीदा हैं। 6 साल सख्त मेहनत करने के बावजूद भी विद्यार्थियों की मेहनत को बूर पैंदा नहीं दिस रहा, जिस करके विद्यार्थी मानसिक परेशानी का शिकार हो रहे हैं। कृपा करके विद्यार्थियों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए जल्दी तो जल्दी स्टेनोटाइपिस्ट का नतीजा घोषित किया जाए। असं आप जी के बहुत बहुत धन्यवादी होवांगे। आप जी के विश्वास पात्र बेरोजगार स्टैनो यूनियन पंजाब। स्टैनो वीर वालों वीडियो रिकॉर्डिंग मैसेज तो बाद आओ हुण सुनते हाँ एक होर स्टैनो भैन की अपील जो कि पंजाब सरकार अते PSSSB बोर्ड नूं कीती गई है। आओ सुनते हाँ वीडियो। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਟੈਨੋ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਟੈਨੋ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਸਟੈਨੋ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਭਰਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੈਨੋ ਦੀ ਭਰਤੀ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। 6 ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟੈਨੋ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਟੈਨੋ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ PSSSB ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ
कितना कितने स्टैनो के संबंध में काम जरूर कर रहा है, परंतु नवी भर्तियां के निकलन का फायदा भी ताही है जो पुरानी भर्तियां मुकम्मल हो जाए, क्योंकि नवी भर्ती का ना जाने पेपर कदों होगा, पंजाबी लैंग्वेज का पेपर कदों होगा, फिर टैक्निकल जो स्किल पेपर लिया जाता है वह कदों होएगा, फिर कदों रिजल्ट आएगा, कदों फिर ज्वाइनिंग होएगी। स्वागत करते हैं, तुम स्टैनो संबंधी होर नवी पोस्टा कढ़ रहे हो, परंतु जो डेढ़ साल पहला भर्ती निकली सी पहला उसनों मुकम्मल किया जाए, जल्दी तो जल्दी ज्वाइनिंग दिती जाए। ठीक है, नवी भर्ती के संबंध में भी बोर्ड ने अपने अलग अलग तौर पर अधिकारिक जिम्मेवारी निभानी होंगी, परंतु काफ़ी लंबा समा हो गया बच्चों तैयार करते हुए, सो इस करके एडवरटाइजमेंट नंबर 1 of 2022 मुकम्मल किया जाए। जल्दी ही मिलते हैं किसी होर नवी तरह की मीडिया कवरेज लेटेस्ट अपडेट लैके। चैनल पर पहली बार सबसक्राइब कर लो और बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर नवी वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। वोट पोल, सिंगल स्टेटस और होर भी कई तरह दी खबरों के लिए यह चैनल सबसक्राइब कर लो। वीडियो वो तो शेयर करो, लाइक करो ताकि वीडियो होर अगे तक पहुँचे, तो कमेंट्स अपनी राय जरूर दो। धन्यवाद।